अभी गेट से अंदर की साइड आया हूँ। पूरी बनाई गई है नीचे तक जाने के लिए, और नीचे तक का नजारा आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक है भाई। किले से नीचे की साइड आ चुका हूं। और हेलो ऑडियंस, क्या हाल चाल, उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे आप सब। तो अभी हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा में। तो आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं मथुरा में कंस का किला, जो कि जाना जाता है कंस के किला के नाम से इसको। आइए हम आपको पूरा दिखाते हैं कैसा आज के समय में इसका ढांचा है और कैसा ऊपर से आपको नज़ारा दिखता है। अभी बरसात का समय चल रहा है, आप देख ही पा रहे हैं पूरा पानी भर चुका है, यहाँ पे जमावड़ा लग चुका है पानियों का, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम आपको चलते हैं कंस के किले पे लेके और दिखाते हैं कैसा नज़ारा है वहाँ का जो इस समय बचा हुआ है। ऑडियंस, ये रास्ता आ चुका है कंस टीले का, जो कि सामने है और आगे बोर्ड भी लगा है कंस टीले का। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा अपने बैग वैग या कोई सामान जो लेके आते हैं आप लोग खाने पीने की वस्तुएं, तो आप लोग बचा के चलिएगा या कोई भी वस्तु है, क्योंकि सामने के साइड आपको काफ़ी सारे बंदर दिखाई पड़ेंगे, वो आपके ऊपर प्रहार भी कर सकते हैं या कुछ भी। तो आप लोग बचा के चलिएगा ऊपर की साइड। तो चल दिए हम लोग आपको ले चलते हैं नीचे से ऊपर की साइड पे। कंस टीले का जो रास्ता है ये काफ़ी सकरा सा हो चुका है, अगर आप लोग आएंगे थोड़ा बचा के आइएगा, क्योंकि दिक्कत ऐसी है सामने की साइड जो पेड़ है बहुत सारे कांटे हैं, वो आपके ऊपर फंस जा रहे हैं कपड़ों में, बैग में, हर जगह। अभी मैं इस टीले की थोड़ी सी ऊंचाई पर आया हूँ, आप नीचे सीवेज प्लांट देख पा रहे हैं और यहाँ से आप नज़ारा देखिए कितना खतरनाक सा दिख रहा है भाई, क्या वंडरफुल नज़ारा। आप सामने यमुना नदी को देख पा रहे हैं और ये पूरा यमुना मिशन जो सब लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन से लग रहे हैं यहाँ के झूले वूले। और ये जो किले आप देख पा रहे हैं खंडहर में तब्दील हो जा रहे हैं सब चीज़, यहाँ पे इमारतें गिरती हुई नीचे गिर जा रही हैं सब। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैं इस टीले पे आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ घर बनाए गए हैं और कुछ मंदिर भी बनाए गए, जिसकी साफ सफाई आंटी जी आप देख पा रहे कर रही हैं और यहाँ पे लोग रहते भी हैं। तो अभी हम चलिए आपको अंदर की साइड ले चलते हैं इस गेट के जरिए, इस गेट के जरिए हम आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कैसा है इसके अंदर का नज़ारा। तो ये जो गेट है आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केशव संस्थान प्राइवेट ट्रस्ट मथुरा के द्वारा इसको निर्माणाधीन कराया गया है अभी। और नीचे की साइड आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बंदर आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी लोग मतलब आगे साइड देख रहे हैं कुछ नज़ारे बाहर के यमुना नदी के। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं ये किला कैसा दिख रहा है, ये जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका है इस समय। तो अभी गेट से अंदर की साइड आया हूँ और आपने हमारे वीडियो में काफ़ी सारे जैसे राजमहल या किसी भी घाट के वीडियो पर देखा होगा, तो काफ़ी सारे लोग अपने नाम या अपने गर्लफ्रेंड के नाम, अपने प्यार के नाम को पूरे तब्दील कर देते हैं इस दीवारों पे। आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे नामों को यहाँ पे लिखा गया है हर जगहों पे, कैसे कैसे ऊपर तक पहुँच जाते हैं हर इलाके भाई, प्यार में देखिए कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं भाई, और कहीं पहुँचना हो तो नहीं पहुँच सकते, बट आप देख पा रहे हैं पूरे नज़ारे यहाँ के। तो चलिए हम आगे की साइड ले चलते हैं, यहाँ से दिखाते हैं आपको यमुना नदी का किनारा और कैसा दिख रहा है आपको पूरा नज़ारा। भाई बंदरों से थोड़ा सावधान रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना भाई भाई खतरनाक भाई, डर लग रहा है ऊपर आने के बाद। अकेले आप लोग आइएगा नहीं भाई, थोड़ा दो तीन लोग मिल के आइएगा, क्योंकि बंदरों की सेना काफ़ी आप लोग से ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो पब्लिक अभी आप देख पा रहे हैं मैं किले के अंत छोर पे आ चुका हूँ और यहाँ से आपको मैं बैक साइड का नज़ारा दिखाता हूँ कैसे यमुना का नज़ारा दिख रहा है और कैसे। ऑडियंस, अगर आप लोग यहाँ पे किले पे खड़े होके अगर आप लोग पूरे नज़ारे को देखेंगे तो एक बेहतरीन सा नज़ारा आपको पूरे मथुरा का दिखाई देगा, जो कि सामने की साइड वो ब्रिज दिखाई देगी और पूरी बोटिंग अगर आप देखेंगे तो पूरी बोटिंग यहाँ पे चलती है, जो कि आपको इस पार से उस पार तक ले जाएंगी, जो उनका चार्ज होगा आप लोग पेड करेंगे उस पार जा पाएंगे। अगर आप घूमने की बात करेंगे तो आपको वो यमुना नदी में घुमाएंगे। अभी आप यमुना नदी का जलस्तर देख पा रहे हैं कुछ नीचे से ऊपर की साइड जो कि बढ़ा हुआ है, पर इसकी साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई तो भाई अभी इस नदी में आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, बट ये जो किला है काफ़ी पुराना है, इसका आप लोग इतिहास जानना चाहेंगे तो मैं इसका इतिहास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दूंगा, कब बनाया गया है, क्या हुआ था, कैसे था, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और भी थोड़े मैं सिनेमेटिक शॉट आपको यहाँ के लेके दिखा देता हूँ कैसा है ये किला थोड़ा बहुत। अगर आप लोग किले के छोर का अगर आप देखेंगे सामने के साइड से यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आपको यहाँ पे रहने वाले लोग दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम वाथरूम हर चीज़ बनाए गए हैं, डेवलपमेंट किया गया है, हर चीज़
स्ट्रक्चर जो थे पहले से इसको काफी ज्यादा सुधारे गए हैं। तो चलिए मैं इसको उस साइड से चल के आपको नजारा दिखा देता हूँ कैसा यहाँ का नजारा दिख रहा है, क्योंकि सामने के साइड से मैं चल नहीं सकता नीचे क्योंकि पानी लग चुका है पूरा, वहां से मैं आपको दिखा नहीं सकता। और मैं भी देख पा रहे हैं पूरा पैंट वेंट मोड़ के भाई यहाँ पे आया हूँ आपको ये किला दिखाने के लिए। बरसात का समय चल रहा है भाई, ये देखिए यहाँ से नज़ारा हमने आपको दिखाने को बोला था, वहाँ से जाके यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आप नज़ारा देख पा रहे हैं। यहाँ पे रूम दरवाजे हर चीज़ सब चेंज हो चुके हैं, पहले कुछ कैसा बड़ा सा रहा होगा अगर आप देख रहे होंगे या ना देख रहे होंगे, उम्मीद है कि यहाँ पे बड़ा हिस्सा था क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो बना है आगे का पूरा चेंज हुआ है और आगे ये सब गेट लग चुके हैं अगर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पानी वानी भरने के लिए टंकी का निर्माण कराया गया, उससे बढ़िया तो टंकी भाई ये देखिए अगर आप लोग खुले में स्नान स्नान करना चाहते हैं भाई बहुत ही बेहतरीन टंकी है, इसी का तो मजा लेते हैं गांव वाले भाई। सामने की साइड आप देख पा रहे हैं बाइक वाइक स्टैंड है वहां पे, हर चीज़ यहां पे लोग रहते हैं हर चीज़। अगर आप आएंगे तो रात में रुक भी सकते हैं हम यहां पे अगर देखेंगे तो, जो लोग कहते थे कि रात में यहाँ इस किले पे कोई रुकता नहीं ये वो हर चीज़ बताया जाता था, बट ये नहीं, यहाँ पे रात में अगर आप लोग आ रहे हैं तो रुक भी सकते हैं आप। ट्रेन सभी हमें मिल चुकी है इस किले के बहुत ही प्राचीन कुआं, तो आइए हम इस झाड़ियों के पीछे आपको दिखाते हैं ये देखिए यहाँ के नज़ारे। ये इसका रनर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया था जो कि इस समय कैसा नज़ारा हो चुका है, पूरा झाड़ आ चुके हैं इसके सामने पूरे कांटेदार झाड़, और इसका नज़ारा ये हमको दिखाते हैं थोड़ा, बहुत ही खतरनाक सा हो चुका है अबे भाई। अरे यार ये देखो पूरा नीचे जाने के लिए आप देख पा रहे हैं पूरा ये आयरन रॉड्स, यहाँ पे सीढ़ियाँ पूरी बनाई गई हैं नीचे तक जाने के लिए, और नीचे तक का नज़ारा आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक है भाई, बहुत ही गहरा है यार, अगर कोई गिर जाएगा सीधा नीचे जाएगा भाई। और यहाँ से अगर आप पूरा किले का नज़ारा अगर आप नीचे से देखेंगे जहाँ पे पूरा सौंदर्यकरण किया जा रहा है इस यमुना नदी के पूरे पॉइंट को जो कि एक ड्राइव के समान बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं वहाँ से अगर आप किले को देखेंगे तो बहुत ही भव्य किला दिखाई देगा और आप लोग देख पाएंगे। चलिए हम नीचे से एक बार आपको दिखाएंगे, वहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। और इस कुएं को आपने देखा कैसा पुराने जमाने में कुआं होता था, बहुत ही भव्य नीचे तक, और लोग ऐसे नीचे जाते थे यहाँ से पानी वानी भरते होंगे लाते होंगे। चलिए हम आपको नीचे की साइड ले चलते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग इस किले पे आना चाहते हैं तो आप इस किले पे आएंगे कहाँ से, अगर आप लोग दर्शन करने के लिए मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि दर्शन कर रहे हैं उसके बाद अगर आप लोग कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो आप चले आइए इस किले पे, किले का भी कुछ नज़ारा देख लीजिए कैसा पुराने जमाने में इस इमारत को बनाया गया था। हर चीज़ अगर आप देखेंगे जानेंगे आर्किटेक्चर के बारे में जान पाएंगे कैसे बना था किस चीज़ से बना था तो आप लोग पूरी जानकारी पाएंगे। तो अगर आप लोग वहां से आ रहे हैं तो 20 रुपये पेट कीजिए और बोलिए हमें चलना है कंस किला, तो आपको वो लोग लेके आएंगे कंस किला विजिट कराएंगे यहाँ पे ला के छोड़ेंगे, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ के कंस किले को। तो ऑडियंस अभी आप देख पा रहे हैं मैं इस किले से नीचे की साइड आ चुका हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे हैं पूरा यमुना का नज़ारा जो कि ये साइड से पूरा घेर दिया गया, आप नीचे की साइड नहीं जा सकते। जैसा आप मुंबई में या कहीं भी आप देखेंगे मरीन ड्राइव या कुछ बनाया गया तो उस तरीके से इसको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सामने की साइड आप काफ़ी सारे झूले देख पाएंगे, लगभग 250 झूले लग चुके हैं यहाँ पे, और इस किले का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कितना भव्य है नीचे से आपको देखने को मिल रहा होगा। अंदर में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को हमने दिखाया है, आप लोग भी आइए विजिट कीजिए। तो आप लोग को इस छोटे से किले का वीडियो जो हमारा जैसा भी था आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप सबको बढ़िया लगा हो तो एक लाइक, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो आपको चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय ऑडियंस।